ये सब हाल है जो ठीक ठाक सी है। ठीक है जी, मैं औखा नहीं गया, सौखा ही। ओके, तो कहता है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रेशन फाइंड करनी है, तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या थी। वो क्या थी कि एनहाइड्रस सॉल्ट ही होगा, डिवॉल्व वाइल हाइड्रेटिंग एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करे, और ये भी अगर सॉलिड स्टेट है तो यहाँ पे क्या बन जाए, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाए। वो भी किस स्टेट में होता है, सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस से क्या बन जाए, आपने बचपन से पढ़ा हुआ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, क्या हाइड्रेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एनहाइड्रस होगा, यहाँ पे एक्स की जगह फाइव वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट फाइव वाटर बन जाए, जो कि आप लोग अक्सर में लैब में देखते हैं, उसको नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, कॉपर सल्फेट डॉट फाइव वाटर। ठीक है, एक खास बात क्या होती है, छोटी सी बात खास, चलो ठीक है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, क्या बात होती है खास, ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉलिड फाइव, ये डॉट फाइव वाटर जो होता है ना, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, उसका कलर होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू ब्लू। जब ये हाइड्रेटेड से इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल उखड़ेंगे ना इससे। जब ये एनहाइड्रस बन जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है, क्या हो जाता है, कलरलेस। यानी कि आपने टेस्ट करना हो वाटर है कि नहीं है, किसी चीज में मॉइस्चर है कि नहीं है, तो आप क्या करो, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को उस चीज के अंदर रख दो। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, कलरलेस, बट जैसे ही वो ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब उस चीज में क्या था, क्या था, वाटर मॉइस्चर था। समझ लग गई, तो टेस्ट फॉर वाटर। ठीक है, यस सर। आगे देखो। अब उसके बाद अब देखो, हमारे को इस पर्टिकुलर जो मैंने रिएक्शन लिखी है उसके लिए डेल्टा एच फाइंड करना है, और गिवन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, अब आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन याद हो तो वो क्या डेफिनेशन है भाई जब मोहित। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है एक्वस बनाने के लिए। हाँ, सॉल्यूशन बन जाए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कहता आपने कॉपर सल्फेट क्या लिया है, एनहाइड्रस लिया है। उसके अंदर वाटर डाल दिया है, वाटर के मोल्स बहुत ज्यादा हैं, अमाउंट बहुत ज्यादा है, कॉपर सल्फेट का क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। क्लियर है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज -66.5। क्लियर है जी, क्लियर है बेटा। फिर आपका क्या दिया गया है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, रुक जाओ देखो, थोड़ा सा और ऊपर उठा ले। कहता है जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तब क्या है, देखो तब क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वस बनाते हो इसका, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये एनहाइड्रस सॉल्ट था, सॉलिड था ये भी। ठीक है, तो अब आपकी डेल्टा एच की वैल्यू का आती है 11.7। अब आप इसको क्या देखो, अगर आप ये इक्वेशन ए देखो, आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि ये एक्चुअली दो पार्ट्स में हो रही होगी। पहले पार्ट में क्या हुआ होगा कि कॉपर सल्फेट जो क्या करा होगा, फाइव वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया है, कॉपर सल्फेट डॉट फाइव वाटर बना दिए हैं। ठीक है जी, फिर कॉपर सल्फेट जो डॉट फाइव वाटर वाला था,
ये आगे वाटर के साथ रिएक्ट करके ऐसे बना दिया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्चुअली ए इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन, यू कैन इमेजिन इट और नॉट, इमेजिन इट और नॉट, ठीक है जी। यानी कि डेल्टा एच माइनस 66.5 क्या था, ये जो हमारी इक्वेशन जो डिजायर्ड इक्वेशन थी जो हमने फाइंड करनी है उसका और इसका सम था, ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ जी सर, क्योंकि आप जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आपको डॉट फाइव वाटर चाहिए ना? हाँ जी सर। अब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करो, देखो क्या वो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती ऊपर वाली? सर जी ए नू ते सेकंड नू माइनस करांगे फिर भी ते वही आ जाएगी केडी है, तो ए नू तू ए वाली फाइंड करनी है, यानी कि ये माइनस करना और की करना है। हाँ जी वही कह ना तू, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक्चुअली a is 1 plus 2, यही बोल रहा हूं ना मैं, यही बोल रहा हूं ना? यस सर। तो 1 की आपको फाइंड करनी है, 1 की आपको वैल्यू नहीं पता, 1 आपने इधर रख दी, a माइनस 2 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, यही तू बोल रहा है? हाँ जी सर। खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, यानी कि आपने क्या करना है, माइनस 66.5 में माइनस 11.7 ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा, समझ लगी क्या लगी? ठीक है बेटा, क्योंकि ये प्लस का था, प्लस के आगे माइनस साइन आ गया तो माइनस ही आएगा ना, ठीक है बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन हो गया खत्म, तो आप इसको ऐड करके आंसर लिख लेना जो भी आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको एक ये क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट वाला, एक बेरियम सल्फेट के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, दो ही क्वेश्चन है इसमें इस टाइप के हाइड्रेशन वाला, ठीक है जी। वो है सो नॉट डिफिकल्ट है, सोखा है, सोखा है, तो दिस इज एसलो। कोई भी डिजायर्ड इक्वेशन आपको दी होगी, आपने बनानी होगी फ्रॉम द गिवन डाटा, ठीक है जी। अब जरा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्या कर लेता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ मीटिंग रिकॉर्डिंग को, फिर मैं सवाल एक नोट करता हूँ तुम करना। हाँ जी भाई, ये सवाल देखते हैं कैसा है। हाँ जी, कहता व्हेन 1 ग्राम लिक्विड नेफ्थलीन सॉलिडिफाइज, इतनी हीट निकलती है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ नेफ्थलीन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है बेटा? सर व्हेन चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, फ्यूजन, ठीक है जी। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है, और कितना, मैंने क्या बोला था हर डेफिनेशन में क्या लिखना है, वन मोल। कहता 1 मोल सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तब उसकी निकालो, तब एंथैल्पी की वैल्यू निकालो, बट आपको दिया गया है कि जब वो लिक्विड से क्या बनता है, सॉलिड, उल्टे प्रोसेस के लिए दिया गया है। हाँ जी सर, डेल्टा एच द साइन चेंज हो जाता है। कहता 1 ग्राम लिक्विड से क्या बनती है, 1 ग्राम जब सॉलिड बन जाती है तब आपकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 149, ठीक है। 1 ग्राम आपको 1 मोल के लिए निकालनी है, तो पहले 1 मोल, 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। हाँ जी सर। तो नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या है जरा बताओ, नेफ्थलीन क्या होती है, ऑर्गेनिक में पड़ी है, 2 बेंजीन इकट्ठे जोड़ दो, ठीक है बेटा जी। हाँ जी सर, यानी कि फॉर्मूला बन गया C10H8,
टेन ट्वेल्व 120 एंड 8 128 हो गया इसका मॉलिकुलर वेट। एक ग्राम से इतनी निकलती है, 128 ग्राम से कितनी निकलेगी निकाल लोगे? हाँ जी सर। कितनी निकलती है? निकलती है तो माइनस साइन आएगा इसका। हाँ जी सर। डेल्टा 128 इंटू माइनस 149। ये तो ही जब एक मोल लिक्विड से एक मोल सॉलिड बने। ठीक है जी। बट एक मोल सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आएगा उसका साइन क्या कर देना है आपने? क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19072 जूल्स। क्लियर है बेटा? सर आ गया। प्लस में होना चाहिए। हाँ जी, जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लो, सारे क्या हैं? डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, थ्योरी के ऊपर। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मेरे को और अच्छा लग रहा है, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टैंडर्ड वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, अब ये तुम्हारे को फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी थोड़ी बहुत सौखी वाली, जो प्रिमिटिव लेवल फिजिक्स होती है छोटी क्लास वाली। फॉर हाउ लॉन्ग अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर हैव टू ऑपरेट, हैव टू ऑपरेट इन ऑर्डर टू वेपराइज 100 grams ऑफ बेंजीन। हाँ जी, आपने 100 ग्राम बेंजीन उड़ानी है तो कितनी देर के लिए आपको 100 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करना पड़ेगा? हाँ जी भी महेश्वरी। उमेश। हाँ जी सर। पावर के यूनिट क्या होते हैं? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज पावर? वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम। हाँ ठीक है जी। यानी कि अगर ये जाउल में हो और टाइम किस में हो? सेकंड्स में हो। ठीक है ना। ये क्या से बराबर आता? वॉट में आ जाता। आ जाता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब, 30.8 किलो जाउल हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक मोल उड़ाना हो बेंजीन तो कितनी हीट लगती है? 30.8। एक मोल का मतलब है 72 ग्राम 72 नहीं 78 72 प्लस 6 78। हाँ जी, 78 ग्राम्स बेंजीन अगर उड़ानी हो तो कितनी हीट लगती है? 30.8। तो 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? निकाल लोगे? निकाल लोगे भाई? yes. कितने कितने जौल एनर्जी चाहिए होगी? निकालो जरा कितनी चाहिए। 30.8 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 100 करोगे, यही करोगे ना? यही करोगे? यस सर। 39.48 आ रहे। 39.4 आ गए। ये किलो जाउल्स आ गई। ये किलो जाउल्स है आपका, ये किसमें है? जाउल्स।
तो आपको इसमें किसको इसका मतलब क्या होगा, 39400 जाउल्स, यही है ना? हाँ जी सर। यानी कि 100 वॉट का बल्ब है वो हीटर है। 394 सेकंड्स आगे सर। हाँ 394 सेकंड्स आगे। हाँ जी। 100 वॉट का बल्ब मतलब क्या है, 100 जाउल्स पर सेकंड, ठीक है जी, यही है ना इसकी रेट ऑफ कंजप्शन है। हाँ जी सर। यानी कि आपका क्या है, 100 जाउल लगते हैं कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो 39400 कितने में जाएगा, आ जाएगा, यही है ना? हाँ जी सर, आ गया 394। 394 सेकंड्स, सेकंड्स ले रहे बेटा जी? यस सर। हाँ जी यस सर। महेश्वरी ठीक है? हाँ जी सर। यार सौखा है केमिस्ट्री, टूटे टूटे सवाल होंगे, तुहाडा कंसैप्ट नहीं की चाहिए तुहानू, तो ताई तुहानू थोड़ा पढ़ाया जे मैं, बाकी सारे सवाल ही न्यूमेरिकल ही है बस। अब चलो बाकी गल देखते हैं, अच्छी तरह डेफिनेशन पल्ले मालो हूँ, ठीक है जी सर। बुक केड़ी लेके आनी है यार, जरी मर्जी वाले चाहे पहले प्रदीप करके ले आ, तो ठीक है प्रदीप से सवाल करो।